क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी KS भारत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला एक और शानदार तरीके से समाप्त हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें दुबई के मैदान पर खेला गया यह मुकाबला अपने अंतिम मोड़ पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें ऋषभ पंत की सेना भिड़ी थी विराट कोहली की RCB की टीम के साथ और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स उतरी थी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन लगा दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर और RCB की टीम को दिया 165 रन के लक्ष्य का। दोस्तों आप सभी को बता दें इतना बड़ा टारगेट चेस करने के लिए युवा बल्लेबाज जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे KS भारत ने इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली और उनका भरपूर साथ दिया ग्लेन मैक्सवेल ने जो इस साल हद से ज्यादा तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप की और इस मुकाबले को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक ले गए। जी हां दोस्तों इस मुकाबले में KS भारत ने अंत तक नाबाद पारी खेली तो उनके साथ मैक्सवेल ने भी अंतिम पारी खेली। 206 गेंदों पर 15 रन की दरकार थी ये तो आखिरी ओवर की बात है लेकिन ये मुकाबला घटते घटते आखिरी गेंद पर आ गया। आवेश खान एक तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे एक तरफ से मैक्सवेल और भारत बल्लेबाजी सही नहीं कर रहे थे। जहां इस गेंद पर एक गेंद डॉट भी खेली KS भारत ने तो दोस्तों आप सभी को बता दें 2 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी उसकी अगली गेंद पर 2 रन आए और आवेश खान ने गेंद वाइड फेंक दी जिसका फायदा हुआ RCB को एक गेंद पर 5 रन चाहिए थे भारत स्ट्राइक पर थे। दोस्तों आप सभी को बता दें आवेश खान ने KS भारत के ऊपर थोड़ा सा हंसा और KS भारत ने उसका ऐसा बदला निकाला आखिरी गेंद पर तूफानी तरीके से गगनचुंबी छक्का लगा दिया और RCB की टीम को शानदार तरीके से इस मुकाबले में विजय बनाया आखिरी गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें 99% हार चुकी थी RCB की टीम ये मुकाबला लेकिन KS भारत ने आवेश खान से जरूर बदला लिया क्योंकि आवेश खान ने उन पर हंसा था जिसके लिए इतना जोर से छक्का मारा KS भारत ने और RCB की टीम आखिरी गेंद पर ये मुकाबला जीत गई। RCB इस साल IPL जीत पाएगी नहीं इसका जो हमें कमेंट बार जरूर बताते हुए जाएं और ये वीडियो सही हो तो एक दिल से लाइक करें और सीक्रेट के प्रोग्राम सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।